हमको दीवाना तुमको काली घटा कहेंगे, काली घटा कहेंगे कि छूटे ना अब तो सनम, लागी छूटे ना अब तो सनम, चाहे जाए जिया तेरी कसम। तेरी दुनिया से दूर चले हो के मजबूर, हमें याद रखना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना, चल उड़ जा रे पंछी। कीजिए टीवी एंड फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन जॉइनफिल्म्स यूट्यूब चैनल की हेल्प से। अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और सीखिए कि कैसे बॉलीवुड में एंट्री करते हैं जॉइनफिल्म्स यूट्यूब चैनल, उनके लिए जिनका कोई गॉडफादर नहीं। तो चित्रगुप्त जी है वो नाराज हो जाते थे कि अभी क्यों अपना मुंह खोल रहा है। फिर प्रोड्यूसर को पता लगेगा कि गला खराब है तो फिर बोलेगा ये किसको ले आए आप नए सिंगर को जिसका गला भी खराब है। तो चित्रगुप्त जी बोलते थे उनको, बोलते थे कि उदित जी के लिए बोलते थे तुम चुप रहो, मुंह खोलो तो सिर्फ गाना गाओ, बात मत करो। मेरे पिता तुल्य थे, जितना प्यार वो आनंद मिलन जी को करते थे उतना ही प्यार मुझे भी करते थे। और आज मैं जहाँ हूँ, जिस तरह हूँ, जो भी हूँ, सिर्फ चित्रगुप्त साहब की वजह से। मुझे आज यहाँ भुला के जो सम्मान दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत बड़ी हस्ती का नाम दिया जा रहा है इस रोड को, तो मैं जिन्होंने भी कोशिश की और जिनकी वजह से ये नामकरण हो रहा है उनका शुक्रिया अदा करूँगा। आशीष शेलार जी और जावेद साहब, आनंद जी भाई, आपको प्रणाम करते हैं और कुछ नहीं कहूँगा। चले उड़े जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चित्रगुप्त जी हमारे पूर्वज और गुरु हैं और उनके गाने मैं जब भी सुनता हूँ, अभी रास्ते में भी सुनते सुनते आ रहा था तो सलाम करने का दिल करता है कि कितने खूबसूरत और सुरीले गाने दिए हैं और एक अलग कलर के गाने दिए हैं उनके। बहुत ही आज खुशी का दिन है कि उनके नाम की चौक बनी है और शेलार जी और अलका जी को बहुत बहुत थैंक यू फॉर डूइंग सच अ वंडरफुल डीड। थैंक यू जी। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो मैं सोचा था सस्पेंस रखने का, जावेद साहब से जिक्र किया मैंने, उदित जी जाके देख सकते हैं चौक में बाहर नोटिशन एकदम सही है, विथ ट्रेडल क्लैप टाइम सिग्नेचर 4-4 और सिर्फ चार बार लिखा हुआ है, जो लोग म्यूजिक पढ़ते हैं वो पढ़ेंगे। इट इज पापा कहते हैं इज रिटन देयर, यू कैन रीड इट एंड दैट्स आवर ट्रिब्यूट टू आवर फादर चित्रगुप्त जी। हमने विजय कुरकर साहब के नाम पे रखा। अब 2 बरस होने को आ रहे हैं, ना किशोर दा ना विजय तेंदुलकर साहब का हमें बीएमसी से क्लियरेंस मिला जहाँ पे रख सकते हैं। 2 साल से हम कोशिश कर रहे हैं, अब बताइए ये तो हमारे धरोहर हैं, इनके ऊपर तो हम लोग को नाज होना चाहिए। और एक मार्क और एक एमपी थिएटर का नाम रखने के लिए हमें 2-2 साल कोशिश करते रहना पड़ता है, तो बढ़िया लगता है। तो अब मैं ये जिम्मेदारी आपको सौंप रहा हूँ, आज से मेरी नहीं, ये काम आप करवाएंगे। तो मैं एक बार फिर बधाई देता हूँ उन तमाम लोगों को जिन्होंने कोशिश की और ये सही काम किया, इसलिए कि जब हम अपने कलाकारों को, अपने लेखक को, अपने कवि को, अपने गायक को इज्जत देते हैं तो हम उन्हें इज्जत नहीं दे रहे हैं, उन्हें तो इज्जत की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़े हैं। हम अपने को इज्जत दे रहे हैं कि हम बता रहे हैं कि हमें इतनी अकल है कि हम समझ सकते हैं कि वो क्या। और अभी आपने जिक्र किया रफ़ी साहब का और उनका, रफ़ी साहब ने तो हज़ारों गाने गाए हैं और कैसे कैसे गाने गाए, लेकिन मैं समझता हूँ हालांकि बड़ा मुश्किल काम है
कि रफ़ी साहब के बेहतरीन गानों की लिस्ट बनाई जाए, आसान काम नहीं, वो इतने बेहतरीन गाने इतने सारे, लेकिन कोई भी लिस्ट बनाए और कितनी भी बड़ी या कितनी भी छोटी लिस्ट बनाए तो उसमें चित्रगुप्त जी के गाने दो क्या बोले दीवाना हो। मैं समझता हूँ म्यूजिकली राइटिंग के हिसाब से, रेंडरिंग के हिसाब से रफ़ी साहब के चंद जो बिल्कुल ही परफेक्ट उनमें से। चित्रगुप्त जी एक कंपोजर, तो जिस दर्जे के कंपोज़र थे तो सारी दुनिया जानती है कि क्या क्या गाने उन्होंने बनाए हैं, लेकिन वो बहुत ही अच्छे, सरल, बहुत प्यारे इंसान थे। क्योंकि मैं, मेरे लिए फादर फिगर थे, मेरे पापा समान थे, और उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया, बहुत इंकरेज किया, उनके बहुत गाने गाए, उनका बहुत आशीर्वाद मिला, और उनके थ्रू आनंद मिलिंद से मुलाकात हुई और पूरा हम दोनों का परिवार एक हो गया। बहुत ही खुशी की बात है कि आदरणीय चित्रगुप्त साहब एक वेटरन संगीतकार थे, उन्होंने जो काम किया है, उन्होंने जो संगीत दिया है वो तो अमर है, और उनके गाने, उनका दिया हुआ संगीत हमारे दिल में हमेशा रहेगा। आज मैं जो भी हूँ वो उनका आशीर्वाद है, क्योंकि उन्होंने ही आनंद मिलन से मिलाया और क़यामत से क़यामत तक मुझे मिल गया। और पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, गाने आए, फिल्म हिट हुई, और भगवान की कृपा से और आप लोगों की दुआओं से आपका उदित नारायण क़यामत से क़यामत तक से चल रहा है और चलता रहेगा। बस दो लाइन मैं सुनाता हूँ। दुनिया में तो इंसानों का बस इतना ही नाता है, डाल पे जैसे बैठ के पंछी पल भर में उड़ जाता है। देखिए ये तो मिनिमम है, एक चौक बनाई गई बहुत अच्छी बात है, मगर मैं इसको एंड नहीं बिगनिंग समझता हूँ। ये जो संगीतकार जो हुए हैं, जो इस तरह के गीतकार हुए हैं, जो इस तरह के गायक हुए हैं, इन्होंने हमारे जो कंटेम्प्रेरी कल्चर है उसको इतना एनरिच किया है, उसको इतना बहुत कुछ दिया है। इनका संगीत जो है वो हमारा धरोहर है, हमारा कल्चरल हेरिटेज है, और हमने कोई एहसान नहीं किया इन पर, बल्कि हमने ये बताया है कि थोड़ी हमको भी समझ है, यही बताया बस और कुछ नहीं। और एकेडमीज बननी चाहिए, इंस्टीट्यूशन बनने चाहिए इन लोगों के नाम पे, और इनका काम जो है वो नई पीढ़ी को बताया जाए क्या है, और जो आज संगीत में आ रहे हैं उन लोगों को मालूम होना चाहिए कि पहले कैसा काम किया गया है, तो इससे उन्हें भी रूट्स मिलेंगी, जड़ें मिलेंगी, जो आज मुझे ज़रा कम दिखाई देती है। ओके सर, देखिए मुझे एक गाना जो है चित्रगुप्त जी का, मजरू साहब का लिखा हुआ है, रफ़ी साहब का गाया हुआ है, फिल्म थी ऊंचे लोग, उसका एक गाना है जाग दिले दीवाना। वो कॉम्पोजिशन, वो ऑर्केस्ट्राइजेशन, वो रेंडरिंग, वो वर्ड, वो फ्लॉलेस, वो कमाल ही है। और मैं समझता हूँ कि अगर रफ़ी साहब जिन्होंने हज़ारों गाने गाए होंगे उनके बहुत अच्छे गानों की लिस्ट बनाई जाए तो लिस्ट कितनी भी छोटी हो उसमें ये गाना आएगा। अब देखिए आप कहीं से कहीं जा रहे हैं, आपको तब तक तसल्ली नहीं होती जब तक कोई कड़वी बात ना की जाए, तो फिर आज जाने दीजिए। हाँ जी, बहुत बहुत मैं राजकुमार हिरानी साहब का बड़ा एडमायरर हूँ, बहुत अच्छा काम करते हैं, और एक बार उन्होंने फिर अच्छा काम किया। मैं राजकुमार हिरानी के बारे में हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि ऐसी फिल्में बनाने के लिए सिर्फ अच्छा डायरेक्टर या राइटर होना काफ़ी नहीं, अच्छा आदमी भी होना ज़रूरी है, और वो हैं। जाग दिल दीवानों रुत जागी वसल यार की, जाग दिल दीवानों रुत जागी वसल यार की। सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।